बहुत ही संवेदनशील लेकिन भव्य कार्यक्रम में मुझे भाग लेने के लिए आयोजित किया है, आमंत्रित किया है। और मैं जानता हूं बराबर नौजवानों के साथ हमारा रक्षा मंत्री होने के नाते रिश्ता बना रहता है, उनके परिवार के सदस्यों से भी मिलता रहता हूं, जवानों से भी हमारा संवाद का सिलसिला चलता रहता है और उनके परिवार जनों के साथ भी हमारा संवाद का सिलसिला चलता रहता है। मैं कभी यह विचार करता हूं वह कौन सा जज्बा है, वह कौन सा भाव है कि हमारे जवानों को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत की सीमाओं की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस रहे हों, अथवा कुल्ला खा रहे हों, उनके अंदर प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी कि उन्होंने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। और आज भारत आजाद होने के बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने का कोई काम कर रहा है तो हमारे भारत के सेना के जवान कर रहे हैं, उन्हें इस बात की चिंता नहीं रहती है कि हम आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं तो इस देश के लिए करते हैं। और उनके लिए भारतीय वीर जवान ट्रस्ट ने जो इस गुजरात की धरती पर अभियान प्रारंभ किया है, मैं उनका सामान्य अभिनंदन नहीं करता हूं बल्कि शीश झुकाकर भारतीय वीर जवान ट्रस्ट का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं समझता हूं कि गुजरात की भूमिका या करिश्मा है, या गुजरात आदि कवि नरसिंह मेहता की जन्मभूमि है जिन्होंने अपने भक्ति और साहित्य के माध्यम से पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, यह भी उन्होंने ही कहा था। और आज इस भारतीय वीर जवान ट्रस्ट के कार्यक्रम में इस पंक्ति को सार्थक होते हुए प्रत्यक्ष मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। बहनों भाइयों, यह गुजरात की धरती राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जन्मभूमि है जिन्होंने अपने आदर्शों और सिद्धांतों से भारतीय समाज के मन के अंदर न्याय और स्वतंत्रता के प्रति एक हसरत जारी की थी, एक आकांक्षा पैदा किया था। गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है जिन्होंने की भारत को की एकता और अखंडता के लिए जो कुछ भी बनता था वह किया। शायद आज हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल न रहे होते उस समय तो हमारा भारत आज एक न रह पाता, हमारा भारत अखंड न रह पाता। गुजरात इस राज्य के बारे में मैं जानता हूं, गुजरात यह सैनिकों की भी जन्मभूमि है जिन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाकर भारतीय सीमाओं की मजबूती के साथ रक्षा की। और गुजरात भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई की भी यह धरती है जिन्होंने सारे भारत में ही नहीं सारी दुनिया में भारत के कद को ऊंचा किया है। मेरे बहनों भाई, आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में चले जाइए, लोग सामान्य तौर पर बड़े सहज तरीके से चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा विकसित देश क्यों न हो, दुनिया का चाहे कितना बड़ा धनवान क्यों न देश हो, वहां के प्राइम मिनिस्टर, वहां के प्रेसिडेंट, वहां के मिनिस्टर्स यह कहते हैं कि दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला यदि कोई देश है तो उस देश का नाम भारत है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा मेरे बहनों भाइयों बढ़ी है, भारत का कद ऊंचा हुआ है। इसका श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो गुजरात के हीरे नरेंद्र भाई जी मोदी को दिया जाना चाहिए। साथियों, इस गुजरात की धरती से मेरा भी लगाव है। जब भी मैं गुजरात, इसके पहले भी दो बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी, पार्टी का महामंत्री रहते हुए भी प्रवास पर आया हूं, तो स्वाभाविक रूप से
मैं भावनात्मक रूप से गुजरात से जुड़ जाता हूं, क्योंकि दैव योग से मेरी मां का नाम भी गुजराती देवी है मेरे बहनों भाई। और जब मैं गुजरात आता हूं, यहां के लोगों का प्रेम और व्यवहार सचमुच हमारे हृदय में एक मिठास भर देता है। ऐसा स्वभाव है गुजरात के रहने वालों का। आप सबने मुझे तो एक रक्षा मंत्री के रूप में यहां पर आमंत्रित किया है, लेकिन बहनों भाइयों, मैं यहां पर रक्षा मंत्री के रूप में नहीं हूं, बल्कि मैं एक ऐसे नागरिक के रूप में मैं यहां आप सबके बीच उपस्थित हूं, जिसके हृदय में हमारे देश के शहीद सैनिकों के प्रति एक कृतज्ञता का भाव है। एक ऐसे इंसान के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हूं। और जहां तक बात रही मारुति वीर जवान ट्रस्ट की, तो मैं ये कहना चाहता हूं इस ट्रस्ट के लोगों से कि मैं सदैव आपके लिए मैं मौजूद हूं, क्योंकि आप इसलिए मौजूद हूं क्योंकि आप हमारे देश के शहीदों और सैनिकों की चिंता कर रहे हैं। और मैं तो आप सबसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मारुति वीर जवान ट्रस्ट का एक बार अभिनंदन हाथ उठाकर तालियां बजाकर किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाई, मैं उन शहीद जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारत की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना बलिदान दे दिया। मैं उनके माता पिता और परिजनों का भी आप सबके सामने भी शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, विनम्रता पूर्वक आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने ऐसे लाल पैदा किए जिसने अपनी जिंदगी की चिंता नहीं की और भारत आज चमक रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमारे वीर जो सेना के जवान हैं, जिन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, उनके बलिदान के कारण आज भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में चमक रहा है। मेरे बहनों भाई साथियों, मैं पहले भी कई मंचों पर इसका जिक्र कर चुका हूं और आप सब भी जानते हैं, इस राष्ट्र के सीमा के भीतर जो भी कोई काम कर रहा है, चाहे वह कोई साइंटिस्ट हो, चाहे वह कोई व्यापारी हो, चाहे किसी भी पेशे में लगा हुआ कोई व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे हम लोग सरकार चला रहे हों, सभी आज यह काम यदि कर पा रहे हैं तो इसलिए सीमा पर तैनात हमारे बहादुर सेना के जवानों ने यह संकल्प लेकर प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना अपने कलेजे में भरकर हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए निश्चिंत होकर हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर पा रहे हैं। हम और आप इंडिया फर्स्ट के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अब यदि इंडिया फर्स्ट को फॉलो करना है तो उस रास्ते में भी सिक्योरिटी सबसे पहले आती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फर्स्ट का कंसेप्ट ये इंडिया फर्स्ट के कंसेप्ट के साथ ही आता है। साथियों, जब कोई माली पौधा लगाता है तो उसे पता नहीं होता है यह पौधा जब बड़ा हो जाएगा, फल देने लगेगा, फूल आने लगेंगे, तब मैं जिंदा रहूंगा अथवा नहीं रहूंगा। वैसे ही हमारा जवान जब सेना में दाखिला लेता है, सेना में जब भर्ती होता है, तो उसे भी यह पता नहीं होता है कि हम जैसा भारत बनाना चाहते हैं, भारत को जिस तरीके से हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, भारत को आगे बढ़ते हुए हम देखना चाहते हैं, यह देखने के लिए मैं इस धरती पर रह पाऊंगा अथवा नहीं रह पाऊंगा। बहनों भाइयों, उसके अंदर भी यह भाव होता है। जब सैनिक किसी युद्ध में जाते हैं तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं होता। वह युद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध के विजय का उत्सव मनाने के लिए उस उत्सव के कार्यक्रम में वह शिरकत कर पाएंगे, वह शामिल हो पाएंगे, उन्हें इस बात की भी कल्पना नहीं रहती। एक सैनिक जब पूरी सामर्थ्य के साथ, मेरे बहनों भाइयों, मातृभूमि के लिए लड़ता है तो उस समय सैनिक के अंदर यह भाव निकलकर सामने आता है, एक ही भाव, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे। यही भाव हम सबके भी अंदर होना चाहिए। सैनिकों का कर्तव्य है, मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं उनका यह कर्तव्य, उनका यह दायित्व अपने में बिल्कुल अनोखा है, क्योंकि उन्हें पता है
कि रोज उनका सामना मृत्यु से होना है। यह वह बात जानते हैं, कहीं से भी दुश्मन की कभी भी कोई गोली आ सकती है और वो वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं। इसको जानते हुए भी अपना सीना चौड़ा करके, अपना सीना खोलकर सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे सैनिकों के अंदर इस राष्ट्र की सुरक्षा और इस राष्ट्र की जनता के प्रति एक प्रेम का भाव है।